हम लोग यहाँ से जंप करते हो, देखते हैं कि क्या हम लोग उसको पार कर पाते हैं। तो 1 2 3 ओ भाई। हेलो गेमर, स्वागत है सभी का मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम है नितीश और आप देख रहे हो ड्रैगन गेमिंग YT। सो अगर आप लोगों को पैसा अर्न करना है तो यार आप लोगों को भी एक मैं रोज हर वीक गिव अवे करना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो उसका वीडियो मैं आज दोपहर को अपलोड कर चुका हूँ, तो जाकर उसको देख लो और ज्वाइन कर लो। उसमें मैंने बताया कि कैसे आप लोग को गिव अवे ज्वाइन करना है और कितना का पैसा है, थोड़ा सब कुछ है, तो जाकर उसको देख लो। बाकी आते हैं हम लोग आज की वीडियो पे। तो यार आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं नेदर में और वहाँ पे देखते हैं कि नेदर यहाँ का कैसा है। तो अगर आप लोग अभी तक नेदर नहीं गए हो तो भाई वीडियो को देख लो उससे जाने से पहले, क्योंकि हमारे साथ जो स्कैम हुआ है वो आपके साथ भी ना हो, इसी के लिए। तो यार वीडियो को पूरा देखना जिसके आप लोगों को पता चल जाए कि कैसा नेदर है और वहाँ का क्या क्या सीन है। बाकी चलते हैं हम लोग, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार उससे पहले तुम लोग पीछे मेरा पेट देख सकते हो, तो भाई एक बंदे ने मेरे को पेट दे दिया, उसका नाम हेड हंटर है। तो अगर आप लोग को अगर तुमको वो मिलेगा तो यार उसको मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। तो ये देखो वो एक पेट का नाम है घोल, पता नहीं यार ये क्या करता है। आखिर उसने बोला कि ये काफ़ी महंगा पेट है तो इसके मैंने रख लिया। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेदर के सफ़र में, लेकिन वहाँ पे भाई लिटरली अच्छा खासा मॉब भी हो सकते हैं, इसलिए भाई अपने शॉर्ट को मैंने इन्वेंट्री में रख लिया। और अब हम लोग फटाफट से जाने वाले हैं नेदर की ओर, लेकिन हम लोग नेदर क्यों जाने वाले हैं उसका लिए भी एक रीज़न है, क्योंकि जैसा कि तुम लोग पता होगा कि ना नेदर का मिनियन भाई लिटरली बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देता है नॉर्मल मिनियन के हिसाब से। वो कैसे तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पिकैक्स में अगर आप लोग देख लोगे तो भाई जो इंडस्टोन का मिनियन है भाई वो भी कम पैसा देने लगा है। रीज़न है कि उसका प्राइस कम हो चुका है, पहले में भी बहुत ज़्यादा प्राइस था लेकिन अब वो बहुत कम देने लगा है। तो भाई ये देख सकते हो ग्लोस्टोन का मिनियन, जो कि भाई लिटरली अच्छा खासा प्रोडक्शन दे सकता है अगर हम लोग उससे ग्लोस्टोन बेच सकते हैं तो देखे कि वो भी क्राफ्ट होता है या नहीं। तो फटाफट से एक और देख लेते हैं। तो भाई लिटरली ये जो आपको दिख रहा होगा नेदर क्वार्ट्ज, भाई ये लिटरली सबसे महंगा बिकता है यार, एक ऑब्सीडियन मिनियन के हिसाब से ये बिकता है। और इसका भाई इंचेंटेड ब्लॉक भाई लिटरली बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है यार। तो यार इसको हम लोग आज क्राफ्ट करने वाले और देखते हैं कि इसका क्राफ्टिंग रेसिपी कैसा होने वाला है। तो फटाफट से हम लोग नेदर जाने वाले हैं, तो उसका रास्ता भी तो वही सेम है स्पाइडर एन के हिसाब से। तो चलते हैं हम लोग फटाफट से वहाँ। तो यार हम लोग आ चुके हैं नेदर के एंट्री पास, तो यहाँ से हम लोग फटाफट से जाने वाले हैं नेदर और वहाँ का देखते हैं कि क्या सीन है। तो हम लोग निकलते हैं नेदर की ओर, तो चलते हैं हम लोग अंदर और देखते हैं। तो यार थोड़ा सा साउंड बढ़ा लिया क्योंकि यार वहाँ का कुछ ज़्यादा ही अलग सा वो माहौल होने वाला है। भाई नेदर फोर्ट्रेस लिखकर आ चुका है, भाई कितना डेडलिस्ट लग रहा है देखने में यार। इसका थीम पहले के मुकाबले बहुत सही लग रहा है यार, ओरिजिनल हाई पिक्सल से ही बहुत ज़्यादा तगड़ा कर दिया गया है। और भाई यहाँ पे ऑब्सीडियन भी रखा हुआ है, क्या हम लोग यहाँ से ऑब्सीडियन ले सकते हैं? तो फटाफट से माइन करके देखते हैं। तो नहीं यार यहाँ से हम लोग ऑब्सीडियन नहीं ले सकते। और भाई लिटरली कितना ऊंचा ऊंचा यहाँ का वो सीन दिखा रहा है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है देखने में। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ से हम लोग कुछ भी माइन नहीं कर पा रहे, तो यार ये सब मैं क्या ही माइन कर रहा हूँ। बाकी इधर भी भाई बहुत बड़ा रास्ता है, भाई ऊपर भी जा रहा है एक सीढ़ी, तुम लोग स्टेज से ऊपर जाते हो और भाई साहब नीचे कितना बड़ा नेदर वॉल्ट का फार्म है यार, हम लोग को भी कुछ ऐसा ही बनाना चाहिए क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा सही लगेगा। बाकी इधर भी हम लोग को ऑब्सीडियन जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, लेकिन हम माइन हम लोग नहीं कर पाते। और भाई लिटरली ये कितना ऊपर जा रहा है यार, बादल के पास हम लोग आ चुके हैं जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्लाउड्स पूरा फैले हुए यहाँ से वहाँ तक। तो तुम लोग देख सकते हो नीचे भी हम लोग को क्लियर नहीं दिख रहा है, तो जैसा कि वहाँ पे भाई नीचे कुछ जगह हमको दिख रहा है, तो फटाफट से वहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो देखते हैं हम लोग जा पाते हैं या नहीं। तो भाई वो भाई कितना क्लोज कॉल था यहाँ से भाई, तो ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जम था। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा यार, क्योंकि आप लोग नीचे गिर सकते हो। तो फटाफट से इस जगह को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे कि यार कुछ ग्लोस्टोन डस्ट और कुछ नेदर क्वार्ट्ज को माइन करने की, लेकिन सबसे पहले तो हम लोग उसको खोजते हैं। तो यार मैं खोजते खोजते थोड़ा दूर आ चुका हूँ, लेकिन यार यहाँ पे भाई लिटरली गोल्ड का ब्लॉक इतना सारा नेटर क्वार्ट्ज नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना सारा गोल्ड का ब्लॉक है, लेकिन यार मैं इसको माइन नहीं कर पाता हूँ। भाई ये सही है भाई साहब, यहाँ पे एक इतना सारा डायमंड्स, वो भाई लिटरली काश मैं यहाँ से डायमंड माइन कर सकता यार, मैं कितना ज़्यादा सही रहता है। यहाँ से देख सकते हो तुम डायमंड्स और गोल्ड भाई लिटरली पूरा भर भर के रखे हुए यहाँ पे। वो गोल्ड तो लाना ही चाहिए यार, क्योंकि ओरिजिनल में भी भाई अगर हम लोग सर्वाइवल खेलते हैं तो वहाँ पे गोल्ड पूरा मिलता है नेदर में। भाई मैं थोड़ा सा और ऊपर आया और यहाँ पे मेरे को कुछ और बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा, तो थोड़ा सा चलते उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करते देखते कि क्या सीन है। तो भाई यहाँ पे कुछ गुफा टाइप का बना हुआ है, पूरा नीचे लावा पूल है, तो फटाफट से हम लोग और उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेयर्स है, तो इसको भी हम लोग चढ़ते और देखते कि ऊपर क्या है। भाई लिटरली बहुत ऊपर तक जा रहा है यार, देखते कितना ऊपर तक जाता है। तो यहाँ पे ये एंड हो चुका है और भाई नीचे कुछ नहीं है,
तो यार ये सीरी किस लिए बना यार पता ही नहीं चल रहा है, क्या पता क्या रीजन है। बाकी थोड़ा सा और भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं यार, यहाँ पे तो और कुछ मिल ही नहीं रहा है यार, सिर्फ ये स्ट्रक्चर ही यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोग नेदर क्वार्ट्ज को माइन कर नेदरैक को माइन कर रहे हैं, भाई नेटरैक हम लोग को मिल भी नहीं रहा है, क्या पता क्या इशू आ रहा है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यार कितना मैं माइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यार ये लिटरली तो कुछ भी नहीं मिल रहा हम लोग को नेदर में, ए टू जेड सिर्फ हम लोग को थोड़ा सा अभी ये माइन करके देखते हैं। तो भाई हाँ एटलीस्ट हम लोग को नेदर को ये तो मिल रहा है, नेदर वार्ट मिल रहा है, लेकिन सोल सॉइल भी नहीं मिल रहा है, मीन्स सोल सैंड तो भाई जहाँ पे उगता है यार वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन यार ये लिटरली बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में, लेकिन यार हम लोग यहाँ से कुछ भी माइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यार यहाँ पे एक और कमरा बना हुआ है, यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ का सीन है। तो यहाँ का ऊपर भी भाई लिटरली यहाँ पे तो एक राजा का सिंहासन टाइप का बना हुआ है यार। तो हम लोग यहीं पे वीडियो ख़त्म कर देते हैं आज का। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यार ये हमारा नया बेस रहेगा, तो ऐसा नहीं यार हम लोग यहाँ पर थोड़ी अब सर्वाइव करने वाले हैं। तो यार वीडियो करते हैं हम लोग यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन भाई लिटरली हमारा तो स्कैम हो चुका, ना यहाँ पे नेटर क्वार्ट्ज मिला है, ना यहाँ ग्लोस्टोन रस कुछ भी नहीं मिला। तो यार आप लोग मिनियन तो नहीं क्राफ्ट कर सकते हो। तो जैसे ही मिनियन आएगा यार मैं लिटरली आप लोग को बता दूंगा, तभी आप लोग नेदर जाना, क्योंकि यार नेदर में ना ही मॉब ना ही कुछ भी नहीं है। तो यार नहीं जाओ तो सही है। बाकी वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।